हेलो बच्चों, हेलो। चलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट किया जाए। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करने से पहले अपन अपडेट कर लेते हैं अपना शॉर्ट नोट्स। तो तीन टॉपिक पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, मेजरली तीन बड़े बड़े टॉपिक है। और अब जो पढ़ेंगे वो अपना है फोर्थ नंबर टॉपिक, जिसका फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। तो फोर्थ नंबर टॉपिक है अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मतलब था साथ साथ, लिगेटिव मतलब बाइंड होना। तो सॉल्यूट पे डिपेंडेंट होता है, और सॉल्यूट कैसा है यहाँ पे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल मतलब जो उड़ ना सके सॉल्यूट, ठीक है, इन वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो इसमें अपन पहला पढ़े हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी वेपर प्रेशर। तो उसको शॉर्टकट में लिखेंगे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव है तो ओरिजिनल प्रेशर बड़ा वाला माइनस नया प्रेशर जो आएगा अगर सॉल्यूट डाल दिए इसमें, डिवाइडेड बाय पी करेंगे तो अपन लिख सकते हैं एन ऑफ सॉल्यूट बाय एन ऑफ सॉल्वेंट। बस इतना ही अपने को याद रखना है रिलेटिव लोअरिंग में। उसके बाद सेकेंड टॉपिक अपना आया जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें जो फॉर्मूला है सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो याद रखना है, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे अपन। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, वेयर एम इज मोलैलिटी, ठीक है। एम क्या होता है, मोलैलिटी, LITY। एंड मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो एन ऑफ सॉल्यूट बाई के जी, टोटल के जी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, यही अभी बात स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन वर्ड मतलब क्या होता है सबको पता है, एलिवेटर तो बहुत कॉमन हो गया आज मॉल्स वगैरह में। मतलब बॉइलिंग पॉइंट कुछ चढ़ गया है, कहाँ चढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है। तो मान लेते हैं प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड 180 एम प्रेशर पे। तो पानी में अगर सॉल्ट डालेंगे ना तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सपोज 110 डिग्री हो गया है। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना बोलेंगे, 110 माइनस 100, हेंस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। या केल्विन में भी 10 ही आएगा क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो 273 और 283 का डिफरेंस भी 10 ही आता है। तो 10 डिग्री डेल्टा टी वी हो गया, ठीक है। तो अपन निकाल सकते हैं कि कोई सॉल्यूट डालने पे, अब सॉल्यूट के नेचर से तो फर्क पड़ता नहीं है, सॉल्ट डाले शुगर डाले या जो डाले, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, तो है ना। तो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, अभी देखेंगे कैसे। मोलैलिटी पे डिपेंड करेगा यहाँ, तो यहाँ जो कंसंट्रेशन टर्म यूज है वो है मोलैलिटी स्मॉल एम। तो द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, क्यों कोई चीज़ बॉयल होता है, क्योंकि सर आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ना वो इवोपोरेट होता है, है ना। इवोपोरेट होते होते वेपर्स बनते हैं, वेपर्स बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं। एक ऐसा टाइम आएगा जो एटमोसफियर के वेपर जो भी थे, है ना, वो एक ताकत लगा रहे थे नीचे की तरफ इन पे, वो 180 एम था। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये वेपर्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि सब मिलके हवा को, एटमॉस्फेयर को, 180 एम को धक्का दे पाएंगे, उसको ओवरकम कर पाएंगे। उस पॉइंट पे बोलते हैं बॉइलिंग हो गया है। तो पानी के लिए ये कितने डिग्री पे होता है, जब ये वाला फोर्स एटमॉस्फेयर के फोर्स से जीत जाता है 100 डिग्री पे, तो 100 डिग्री पे बोलते हैं कि बॉइलिंग, पानी का तो बॉइलिंग हो जाता है, क्लियर, ठीक है। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है, पानी तो उड़ रहा है लेकिन पूरा पूरा पानी उड़ करके धक्का देके एकदम सबके सब निकल ले, इसके लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिनन, इवोपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिनन। द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इट बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोसफेयर प्रेशर, टक्कर दे दे तब वो बॉइल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉइल्स 100 डिग्री पे, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लगभग 180 एम, दिख रहा है, तो 180 एम को टक्कर दे देता है 100 डिग्री पे, ठीक है। तो थोड़ा सा 100 से बड़ा, तो हम लोग जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 100 ही मानेंगे, बोलते हैं 100 पे हो जाता है। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द लास्ट सेक्शन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट।
अब जब सॉल्यूट डाल दोगे तो वेपर्स कम बन रहा है कि ज्यादा बन रहा है? अगर यहाँ पे सॉल्यूट आ गया, कुछ सरफेस को कौन ले गया? सॉल्यूट ले गया, है ना? कुछ में सॉल्वेंट जो पहले था वही है, ये सॉल्वेंट डस आता है ना? तो दिस इज सॉल्वेंट के पार्टिकल, दिस इज सॉल्यूट के पार्टिकल। अब आप देख सकते हैं कुछ सरफेस पे सॉल्यूट आ गया, तो वेपर जितना बनना चाहिए तो उतना नहीं बनेगा, थोड़ा कम बन रहा है। ठीक है, तो क्या 100 डिग्री पे आप टक्कर दे देगा? 100 डिग्री पे ये 180 को टक्कर दे देगा? यहाँ से 180 लग रहा था, नहीं। तो इसको अब टक्कर देने के लिए ये 100 डिग्री का सिनारियो है, तो ये बॉइलिंग नहीं होगा। तो फॉर बॉइलिंग द टेम्परेचर हैज़ टू बी इंक्रीज टू थोड़ा ज़्यादा। इसीलिए जब सॉल्यूट डालते हो आप सरफेस, क्योंकि कैप्चर हो गया है, उतने वेपर बन नहीं रहे हैं, एटमॉस्फेयर को टक्कर दे ही नहीं पा रहे हो, इसलिए बोला जाता है बॉइलिंग अप पानी का 100 की जगह 110 पे होगा। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द लास्ट सेक्शन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो उड़ नहीं पाया वो वाला सॉल्यूट है यहाँ, डिपिक्ट्स द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब ग्राफ से देखेंगे प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अभी देखते हैं टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर कैसे। तो वेपर प्रेशर तो टेम्परेचर के साथ लीनियर होगा, टेम्परेचर बनाएंगे तो ज्यादा वेपर्स बनेगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो दोनों के लिए प्योर था तो भी, और अगर घोल हो गया तो भी। लेकिन एक दिक्कत क्या है, सेम टेम्परेचर पे प्योर वाला का वेपर प्रेशर, मान लेते हैं ये वेपर प्रेशर है, यह टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पे प्योर वाला का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा आएगा, तो ये हो गया प्योर, प्योर सॉल्वेंट बोल लीजिए। लेकिन सॉल्यूशन जो बना उसका वेपर प्रेशर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो प्योर वाले का वेपर प्रेशर मान लेते हैं 2 था, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पे क्या आएगा? 1.5 आएगा। यूनिट्स अपने को मतलब नहीं है अभी, बस एक नंबर ले ले रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों बढ़ेगा बढ़ेगा। और लेकिन सपोज ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, सपोज ये वाला पॉइंट है जिसमें वो एटमोसफेयर को टक्कर दे देता है, तो चलिए इसको 0.5 और 0.7 बोल देते हैं। ठीक है, ये 1 है, 1 ATM, ठीक है, मान लेते हैं ATM में लिए। अब 1 ATM देखिए दोनों का कब पहुंचेगा, वाई कोऑर्डिनेट अपने को चाहिए 1, तो इसका पहुंचा था 100 में सपोज, तो देखिए इसका कितने पे पहुंचा सॉल्यूशन का, ये रहा सॉल्यूशन का ग्राफ, इसका 110 पे पहुंचा, दिख रहा है आगे जाके पहुंचा, एक्स कोऑर्डिनेट ज़्यादा आया सेम वाई के लिए। तो 1 ATM पहुंचने के लिए वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का अपना टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 110। दोनों लीनियर ग्राफ ही है, बट नीचे से शुरू होता है सॉल्यूशन का ग्राफ। इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉयल इट्स वेपर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज टू इतना। अभी तो वेपर प्रेशर उतना पहुंच ही नहीं पा रहा बेचारे का, बढ़ाना पड़ेगा अपने को। बाय रेजिंग द टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज, तो 100 से और आगे बढ़ाना पड़ेगा, 100 पे तो बेचारा कम ही पे है, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तब 1 पे पहुंचेगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तब उसको बोलते हैं कि वो बॉयल हो जा रहा है, क्योंकि बॉयल का कंडीशन ही है, हवा को टक्कर दीजिए। ठीक, तो ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, है ना? सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा हमेशा ज़्यादा आएगा। देख लीजिए 1 ATM वाला ग्राफ हॉरिजॉन्टल, ये वाई कोऑर्डिनेट 1, एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्वेंट का कितना आ रहा है, ये रहा 100, सॉल्यूशन का कितना आया 100 से ऊपर, इसलिए इसको डेल्टा टी भी बोलते हैं, ये 110 ये 100, दोनों का डिफरेंस को डेल्टा टी भी। सिमिलरली टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सिमिलर टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, है ना? कि नेचर की नंबर नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो ज़्यादा दिक्कत, वेपर वेपर प्रेशर कम बनता था, बॉइलिंग पॉइंट और बहुत ज़्यादा होगा। तो रैदर देन देयर नेचर, नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ओनली, मतलब नंबर पे डिपेंड होने वाला प्रॉपर्टीज़। ए सॉल्यूशन 1 मोल का है सुक्रोज का, सुक्रोज अपना चीनी होता है, 1000 ग्राम पानी में, 1 लीटर पानी इज इक्वल टू 1000 ग्राम एट इतना एट 1 एटमोस्फेयरिक प्रेशर, लेट डेल्टा टी बी नॉट विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो पानी का तो बॉइलिंग पॉइंट अपने को पता है 100 होता है, टी बी विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, चीनी डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज टी बी माइनस टी बी नॉट नोन एज एलिवेशन, बढ़ोतरी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोलल कंसनट्रेशन, तो ये देखा गया है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलल कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग खोजे हैं। तो हमारा एक्सपेरिमेंटली ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम इक्वल टू साइन में एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, तो आया के बी इंटू एम, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, यही अपना मेन मुद्दा है इस
समझ आया है? वेपर प्रेशर कर्व फॉर सॉल्यूशन लाइज बिलो द कर्व फॉर प्योर वाटर, सॉल्यूशन वाला प्योर वाटर से नीचे होगा। द डायग्राम शोज दैट डेल्टा टी वी डिनोट्स द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो एलिवेशन दिखाया गया है, ये रहा डेल्टा टी वी एलिवेशन। एक्स कोऑर्डिनेट में पता चलेगा टेम्परेचर, वाई में पता चलता है प्रेशर। ठीक, तो मान लीजिए कोई इंसान मैगी बना रहा है ना, और वो बेचारा क्या करता था, पहले पानी ना गर्म करने का कोशिश करता था और फिर मैगी डालता था, है ना। लेकिन बार बार जब वो बनाता था तो पानी कम हो जाता था, तो वो सोचा कि चलो यार थोड़ा सा नमक या मसाला पहले ही डाल दे। अब वो नमक डाले चाहे मसाला डाले, क्या बोल सकते हैं कि पानी अब कम उड़ेगा अगर उसने डाल दिया? गर्म तो हो जाएगा लेकिन उड़ेगा नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ेगा पानी का लेकिन उस टेम्परेचर पे ज़्यादा वेपर्स बनेंगे नहीं। तो बोल सकते हैं मैगी में अगर अपन पहले से नमक और मसाला या कुछ डाल दिए तो पानी कम उड़ेगा, पानी कम ख़त्म होगा, और जितना हम लोग नापे थे एक्यूरेट उतना पानी लगभग मैगी को मिल जाएगा, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है हम लोग पानी गर्म कर रहे हैं और फिर पानी लिए थे ठीक ठाक, ठीक नाप के लिए थे मैगी जितना इंस्ट्रक्ट कर रहा था, लेकिन अपन जब तक मैगी डाले पानी काफ़ी सारा उड़ चुका था क्योंकि अपन वेट कर रहे थे कि और गर्म हो और गर्म हो। ठीक है, तो ये अपन इस टॉपिक का एप्लीकेशन बोल सकते हैं। तो आप अपने भाई बंधु को बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा सा नमक पहले डाल दो या थोड़ा सा मसाला पहले डाल दो, पानी उड़ेगा कम, ख़त्म नहीं होगा कम से कम जल्दी जल्दी। तो हेयर एम इज़ द मोलैलिटी, पढ़ के आए हैं अपन ये सब, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, एंड द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी kb इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट वाला एलिवेशन वाला, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वाला कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, सबसे सिंपल नाम तो यही हुआ। या इसको और क्या बोलते हैं, मोलैलिटी वाला एलिवेशन कॉन्स्टेंट, एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट का ही एलिवेशन होता है, तो मोलैलिटी वाला मोलल, मोलैलिटी का यूनिट क्या होता था, 1 molal एलिवेशन कॉन्स्टेंट। और ब्रैकेट में इसका खतरनाक नाम भी एक है, एब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, है ना, जिसके नाम से कुछ पता नहीं चलेगा क्या है, बल्क, BUL बल्क वाला वर्ड लग रहा है बट समझ नहीं आएगा बाद में। द यूनिट ऑफ kb इज, तो kb का यूनिट यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, डेल्टा टी वी क्या होता है केल्विन में, तो केल्विन बाई मोलल, 1 molal आराम से निकल सकता है। तो LHS में केल्विन था, RHS में kb है, मोलैलिटी होता है मोल्स बाई kg, तो कितना हुआ k इंटू kg बाई मोल, यही ना यूनिट आया kb का, देखिए यही बोला हुआ है। तो यूनिट से देखना, डरना नहीं है, एक सिंपल मैथ्स की तरह सॉल्व कर देना है। वैल्यूज ऑफ kb फॉर सम कॉमन सॉल्वेंट्स आर गिवन, टेबल पे वैल्यू दिया होता है, तो NCERT के बहुत सारे क्वेश्चन पे ना kb का वैल्यू नहीं दिया होगा, तो वो एज्यूम करता है कि आप टेबल देख करके वैल्यू ले, यूज़ कर ले। तो W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हो गया, तो 2 वाला सब्सक्रिप्ट सॉल्यूट के लिए यूज़ होता है NCERT में, मोलर मास M2 है, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, तो मोलैलिटी को क्या बोल सकते हैं, मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, और सॉल्वेंट का kg क्या है, अगर सॉल्वेंट ग्राम में है तो उसको डिवाइडेड बाई 1000 कर लेंगे। ये सब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, यही फॉर्मूला है, अपने को मोलैलिटी साइड में अलग से निकाल देंगे फिर यहाँ आके पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये खतरनाक सा नहीं तो दिखेगा, इसको कौन याद कर सकता है ऐसा खतरनाक सा। तो पूरा डेल्टा टीबी में kb भी मल्टीप्लाई होगा इस एम के एक्सप्रेशन में, तो kb इंटू ये वाला खतरनाक सा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना। ऐसा टाइम पास नहीं करेंगे फालतू, अपन चीज़ें कभी भी फालतू याद नहीं करेंगे, वो ज़रूरत नहीं है, तो नहीं याद कीजिए। आप शॉर्टकट फॉर्मूला याद कीजिए, डेल्टा टीबी इक्वल टू kb इंटू एम। दस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन मोलर मास, अब ये क्यों बनाया है फॉर्मूला, क्योंकि वो बोल रहा है मोलर मास निकालने के लिए देखिए ये सारी चीज़ें चाहिए होंगे, दिख रहा है 1, 2, 3, 4 वेरिएबल। तो एक्चुअली ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक का एप्लीकेशन क्या है, तो बोलता है इनडायरेक्टली अगर कोई अननोन चीज़ है ना आपके पास, अननोन सॉल्यूट है, तो उसका मोलर मास निकाल सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला यूज़ करके। तो इसीलिए मोलर मास को एक तरफ रखा है, बाकी सबको एक तरफ रखा है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बहुत बार हम लोग मोलर मास भी लैब में निकाल लेते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नोन मास ऑफ सॉल्यूट इन ए अननोन मास ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन, तो सॉल्यूट का गिवन मास तो पता होता है ना। अब मान लो आपने बालू लाया बाहर से, अरे तो बालू का आपको मास तो पता हो, मास तो नाप सकते हैं वेइंग मशीन में कितना है, मोलर मास थोड़ी पता होता है, मोलर मास तो उसके अंदर की बातें हैं, वो नाप के थोड़ी पता चलता है, तो मोलर मास पता नहीं होगा लेकिन मास तो नोन होगा, तो नोन मास ऑफ सॉल्यूट इन नोन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो चीज़ें पता है वो पता है। एंड डेल्टा टी वी इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली निकाल लेंगे भाई कितने पे बॉइल हुआ, ये 100 पे नहीं हुआ, 110 पे हुआ, फॉर ए नोन सॉल्वेंट हुज kb वैल्यू इज नोन। तो सॉल्वेंट ऐसा लेना भाई जिसका kb पता हो, जैसे पानी में डाल दिया मिट्टी, तो मिट्टी का मोलर मास निकाल सकते हैं अपन, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में 10 ग्राम C6H2O6 है अपने पास,
ठीक, चलिए इसको सॉल्व किया जाए, थोड़ा मेहनत किया जाए। तो 18 ग्राम ग्लूकोज है, सॉल्यूट क्या हुआ? ग्लूकोज। गिवन मास कितना है? 18। मोलर मास कितना होता है? 180। नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ? मोलैलिटी में मोल्स चाहिए क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी, गिवन मास बाई मोलर मास, है ना? तो 18 बाई 10, 0.1। अच्छा नंबर। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? पानी है। कितना केजी पानी लिया है? 1 केजी। बहुत ही अच्छा। तो मोलैलिटी क्या आया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो 0.1 मोलल एम आ गया। एक वेरिएबल पता चल गया। टोटल कितने वेरिएबल है? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये पता चल गया। ये अपने को टेबल से पता होता है, तो डेल्टा टी बी निकाल लेंगे। यहाँ क्या पूछा है? देखिए के बी यहाँ दे दिया है, टेबल का यूज़ करने ज़रूरत नहीं है। एट वॉट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट, इतना बार, इतना बार अपना नॉर्मल 180 ही होता है, ठीक है। के बी दिया हुआ 0.52, तो यहाँ बैठा है 0.52, यहाँ बैठा है 0.1। डेल्टा टी बी कितना आया? यहाँ से आ रहा है 0.052, एक पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। देखिए इसको पॉइंट ले जाइए, तो इतना आया डेल्टा टी बी। और डेल्टा टी बी क्या होता है? बड़ा वाला टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल कितने पे बॉईल होता। तो सॉल्वेंट पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट पता होता है 100। तो अब नया वाला बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? ज़्यादा ही आना चाहिए 100 से, ज़्यादा ही आ रहा है 100। ये इधर आया प्लस इतना, आंसर कितना रिपोर्ट करेंगे? 100.052 पे ये बॉइल होगा, डिग्री सेंटीग्रेड पे। केल्विन में बोलेंगे तो 273 प्लस इतना करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मोल्स निकाला, मोलैलिटी निकाला, एक नज़र बनाई रखेंगे इनमें, ठीक। देखिए के बी इंटू एम किया, 0.052 आया। इन्होंने क्या बोला? केल्विन में कितना बोला? जो भी केल्विन में, देखिए 373 नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। हम लोग 373 अप्रॉक्स ले लेते हैं, एक्यूरेटली होता है 373 पॉइंट, इनफैक्ट 273.15। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ये अप्रॉक्स होता है, एक्यूरेट ये होता है। ये अपने को क्या आंसर दे देगा? केल्विन में, ठीक है, के में, ठीक है। तो इस 273 लिया है लोग कि पानी बॉयल होता है 273.15 पे, क्योंकि 100 डिग्री पे होता है। 100 डिग्री होगा 100 प्लस 273 373, तो इसको देख के भी बहुत लोग डर जाता है। अब इसको 0.15 लेना ज़रूरी हो गया, क्यों? क्योंकि डेल्टा टी बी इतना छोटा है 0.05, तो एक्यूरेट चलना चाहिए ना, है ना? तो 273.15 प्लस 0.052, ठीक है। आई होप ये समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन, इस बार सॉल्वेंट पानी नहीं है, पानी नहीं है तो भैया बॉइलिंग पॉइंट अपने को थोड़ी चमकेगा, याद थोड़ी करके आए हैं। तो बेंजीन अगर सॉल्वेंट है तो पानी बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ता है, तो दे दिया है, अच्छी बात है। व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, गिवन मास पता है, वाज डिजॉल्व इन 90 ग्राम, सॉल्वेंट का केजी पता चल गया, ठीक है। चलिए अप्रोच करते हैं, वेट अ मिनट, लेट मी शो यू द राइट अप्रोच। तो आपको ना हमेशा सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखना है और फिर ही आगे बढ़ना है किसी भी क्वेश्चन में, और मैं ये आपको पहले से बता रहा हूँ कि आप पहले आइडेंटिफाई करो सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन। कौन है सॉल्यूट यहाँ? कोई है? पता नहीं। गिवन मास किसका किसका पता है? इसका आइडेंटिटी नहीं पता, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बस बोला है। यहाँ पे बेंजीन पता है, गिवन मास बेंजीन का कितना है? 90। मोलर मास ज़रूरत पड़ा तो यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पे गिवन मास कितना है? 1.8, ठीक है। हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चंस में क्या यूज़ करना होता है फॉर्मूला? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू इतना, मतलब बढ़ गया, यहाँ था यहाँ आ गया। तो डेल्टा टी बी कितना? फाइनल माइनस इनिशियल निकाल लेंगे। तो ये कितना आ रहा है? डेल्टा टी बी साइड में निकाल लीजिए पहले, ये आ रहा है 354.1511 माइनस 353.23, है ना? तो 11 में 3 गया तो 8, 10 में 2 गया तो 8, 3 में 3 गया तो 0, ऐसा कुछ आ रहा है 0.88। अब देखिए क्या बात है, पता है, कैलकुलेट द मोलर मास, अरे निकाल लेंगे, मोलैलिटी तो पहले यूज़ करें। के बी ऑफ बेंजीन इज इतना, तो के बी भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं? दो वेरिएबल पता है तो तीसरा वेरिएबल। तो एम क्या हुआ? डेल्टा टी वी 0.88 डिवाइडेड बाई के बी, के बी कितना है अपने पास?
केवी इज 2.53। कैलकुलेशन बहुत ही ख़राब, एनसीईआरटी है। ठीक है, तो ये मोलैरिटी का आंसर आया। और मोलैरिटी हम लोग को और बात पता है क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का गिवन मास, मोलर मास को मान लीजिए एक्स, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, गिवन मास बाय मोलर मास 1.8 बाय एक्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट, दिस इज इक्वल टू एन ऑफ सॉल्यूट बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया है तो उसको केजी में लिखना है। सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, गिवन मास 90 ग्राम, मोलर मास का तो काम है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 ग्राम केजी में कितना, डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 आ गया ऊपर। ये कैलकुलेशन करके अपने को एक्स निकालना है। कैलकुलेशन पुअर होते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन में, ये हम लोग को पहले से पता है। यहाँ से एक्स निकालेंगे, यहाँ से एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 58 ग्राम, यही अपना आंसर है। ठीक है, तो इन लोग भी कैलकुलेट किया है और आंसर निकाल लिया है 58 ग्राम। मैंने आपको बता दिया स्टेप वाइज कैसे करना है, इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि एक स्टेप में सारा वैल्यू पुट कर दिए, एम एक तरफ बाकी सब एक तरफ, और सारा वैल्यू एक स्टेप में पुट करके निकाल लिए। अपन धीरे धीरे स्टेप वाइज करेंगे और सही आंसर पे आएंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में अपन यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे। एकदम मिलता जुलता फॉर्मूला है, इस बार फॉर्मूला आएगा डेल्टा टी एफ चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी एम। ठीक है, तो एकदम सेम फॉर्मूला है, तो कोई डर का बात नहीं है, बस ये ग्राफ थोड़ा सा ट्रिकी है बॉइलिंग पॉइंट वाले ग्राफ से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।